अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। चले जी, मैंने अपने पास ओपन कर लिया इसको, अपने सब ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे कोडिंग की थी। तो फ्रेंड्स अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं काम को। ओपन किया जाता है अपने पास सब में टेक्स्ट थ्री को, जिसके अंदर हम लोगों ने काम करना होता है। तो यहाँ से उठा लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। मैं यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को उठाता हूँ। ले जी, यह मेरे पास HTML और CSS में आ चुका है। यहाँ से थोड़ा सा चेंज करने बैकग्राउंड कलर को, ताकि हमें कॉपीराइट को कोई इश्यू ना मिल जाए। जी, अब मैंने जाना है ये पासवर्ड है। पासवर्ड के साथ साथ इसको मैं करता हूँ काम को कंटिन्यू। अब पासवर्ड के बाद हमने एक और टैग लगाना है, और वो होता है कंफर्म पासवर्ड। ये TR यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके कहता हूँ जी कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पे लिखेंगे कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। इधर आए, रिफ्रेश किया, नहीं जी, ये कन्फर्म पासवर्ड का हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। ये पासवर्ड का था, ये हमारे पास टैग लग चुके हैं। अब इसे आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर इसी TR को, चलें जरूरत नहीं, इस TR को न्यू TR बना लेते हैं। TR बनाते हैं, TD बनाते हैं, और मैं यहाँ पे आता हूँ। इसमें आके इनपुट तो यही दे देते हैं, एक TD की। यहाँ से कॉपी करता हूँ, नहीं जी, और यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर, लिखता हूँ जेंडर, आखिर आपका जेंडर है क्या, ठीक है। रिफ्रेश किया, जेंडर का ऑप्शन आ चुका है। अब ये TD है, इसके अंदर मैं इनपुट तो लगाऊंगा, लेकिन टाइप इसको दूंगा रेडियो। ये रेडियो स्टूडेंट सुनने वाला नहीं है, नहीं जी। अब ये रेडियो का हमारे पास आ चुका है ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल, ठीक। ये TD को यहाँ से नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये इनपुट को यहाँ से लेके यहाँ तक करना है हमें कॉपी, और करना है पेस्ट। यहाँ मैं लिखूंगा फीमेल, ठीक है, पहले मेल और ये फीमेल। अब एक चीज़ और होती है, और वो होती है इसकी वैल्यू। मैं इसकी वैल्यू देता हूँ मेल, ठीक है। फिर यहाँ पे आता हूँ, इसकी वैल्यू देता हूँ फीमेल। ये लाजमी देनी होती है, ये अभी के लिए तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब इसको आप वेबसाइट के अंदर पुट करोगे तो फिर इनमें से आपको समझ आ जाएगी ये क्यों लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक सेलेक्ट हो। तो इसके लिए यहाँ पे आना है, नेम के अंदर मैं इसको कहता हूँ जेंडर, ठीक है जी। इसका नेम जेंडर दे दिया, और इसका नेम भी जेंडर देंगे, ऊपर हम लोगों ने नेम नहीं यूज किया था, लेकिन अब नेम को यूज करें। नेम दे दिया हमने जेंडर। अब करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए या तो मेल सेलेक्ट होगा या फीमेल होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों सेलेक्ट हो। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ। कल अल्लाह हाफिज़।